है बंद और हमने काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज मिस कर दी है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ मैंने क्या मिस किया है आज के दिन, और फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे और मैं पोजीशन में बता देता हूँ, क्योंकि मैं सुबह से मैंने तुम्हें शायद पोजीशन मैंने बताया नहीं है, है ना। एंजल वन का नीचे है ना वेरीफाइड लिंक भी मिल जाएगी तुम लोग को। मैं तुम लोग को बताता हूँ कैसा क्या है भाई। गुड मॉर्निंग पीपल, क्या हाल चाल है। आई होप तुम बढ़िया कर रहे होगे अपने ट्रेडिंग में। आज है फ्राइडे का दिन, आज एंड ऑफ द वीक है, तो लेट्स सी मार्केट कहाँ पे ओपन हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ओपन हो चुका है और एक कैंडल बना रहा है। आधे घंटे मार्केट को जो है सेटल हो जाने दो, फिर हम लोग जो है कुछ प्लान बनाएंगे कहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है फर्स्ट कैंडल, उस हिसाब से हम लोग जो है प्लानिंग करेंगे। मार्केट जो है कंटिन्यू करेगा कि नहीं बुलिश मोमेंटम, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि दो दिन से जो है मार्केट साइडवेज है। साइडवेज कब होता है, जब मार्केट जो है ट्रेंड चेंज करना चाहता है या ओवरऑल ट्रेंड जो है वो फॉलो वापस से करना चाहता है, तभी होता है साइडवेज, या तो फिर वापस से जो बुलिश मोमेंटम है कंटिन्यू करना चाहता है, तब जाके ही मार्केट साइडवेज होता है। सो लेट्स सी कि मार्केट बुलिश मोमेंटम में जाना चाहता है या मार्केट ट्रेंड चेंज करना चाहता है या ओवरऑल ट्रेंड को जो है फॉलो करना चाहता है। चलते हैं स्क्रीन पे बिना टाइम वेस्ट किए, शुरू करते हैं ये वीडियो। ऑल राइट, तो मार्केट जो है यहाँ पे एक जोन है उसके अंदर क्लोज करने जा रहा है, तो मैं बस वही वेट कर रहा हूँ कि एक अच्छी एंट्री मिल जाए हमें एक अच्छे लेवल पे। और मैं यहाँ पे अभी भी देखो बुलिश ही हूँ मार्केट में, कहीं ना कहीं गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट में मैं बुलिश हूँ, और बियरिश मैं तब तक नहीं हूंगा जब तक मुझे एक साइन नहीं मिलता मार्केट की तरफ से कि नहीं भाई मेरे को नीचे ही जाना है। मार्केट अगर साइन दिखाता है तो जरूर हम लोग जाएंगे भाई। निफ्टी भी देख लेते हैं, एक रिजेक्शन ले रहा है। ऑलराइट, तो एक ग्रीन कैंडल हमें मिलती है तो हम लोग श्योरली डेफिनेटली हम लोग जो है इसके अंदर बनाएंगे पुट साइड का, पुट शॉर्ट करने का। तो हम लोग वही वेट कर रहे हैं कि बस एक एंट्री मिल जाए। अच्छी क्लोजिंग दिया है इसने। ऑलराइट, अच्छी क्लोजिंग दिया है इसने, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा नीचे आने दो तो हम लोग बस एंटर कर जाएंगे इस हिसाब से। जैसे ही मैं एंटर करूंगा वैसे ही मैं तुम लोग को इसके ऊपर अपडेट देता हूं। पहले हम लोग जो है छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट करेंगे, देन विल सी बाद में क्या होता है। तो भाई मार्केट जो है अच्छा खासा पॉइंट से ऊपर जा चुका था और फिर यहाँ पे जाके पलट रहा है मार्केट। तो मैं यहाँ पे एंट्री करने का सोच तो रहा था, बट एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था ताकि जो है हम लोग अच्छी एंट्री मिल पाए हमें। और एक रिट्रेसमेंट यहीं पे आ जाता था ना कल जैसे, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, ये देखो ये वाली कैंडल बनी है यहाँ पे कल, तो ऐसा कोई एक रिट्रेसमेंट मिल जाता था ना यहाँ पे, एक अच्छी एंट्री मिल जाती हमें ये एरिया में। इसी वजह से मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि एक रिट्रेसमेंट आए, बट ये कैंडल देख सकते हो जहां से खुली वहीं से जाके क्लोज कर दिया है ऊपर, और अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर का विक लगा के और फिर मार्केट नीचे आ रहा है। अब सोचना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे जो है अगर रिजेक्शन लेता है और अच्छे से क्लोज करता है तो यहाँ पे एक एंट्री बनाया जा सकता है, क्योंकि यही जोन जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक रिजेक्शन मेरे को चाहिए था। और ये सुबह की कैंडल थी, ये सुबह की दो कैंडल रहती है, तुम्हें भी पता है देखो कल भी हमने एंटर किया था, बाद में क्या हुआ मार्केट उतनी ही तेजी से नीचे आ गया। सेकेंड हाफ में हमें एंट्री मिलती है ना, जैसे कि यहाँ पे एंट्री मिली थी ये वाली एंट्री, ये खतरनाक एंट्री मिलती है भाई, इसमें प्रॉफिट भी मिलता है। अब हो सकता है ये वाला जो है यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आके फिर ऐसा ऊपर जाए, तो इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि अगर ये अच्छी कैंडल क्लोज हो जाती है यहाँ पे तो एक छोटा सा एंटर करके हम लोग देख सकते हैं मार्केट में कि क्या हो क्या रहा है। तो देखो भाई, हमेशा हमने जो है जल्दबाजी में हमने ट्रेड लेके हमेशा गलती की है, और सुबह सुबह ट्रेड लेके तो हमेशा मैंने गलती की है। इसी वजह से मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई अच्छी एंट्री मिले हमें और अच्छी जगह पे मिले। ऐसा नहीं कि भाई निकल रहा है चलो चलो ट्रेड करो ट्रेड करो, ऐसा नहीं होता भाई। ऐसे करके देख चुके हैं और काफी मिस्टेक्स भी कर चुके हैं पहले, इसी वजह से मैं वेट कर रहा हूँ ताकि अच्छी एंट्री मिल पाए हमें। थ्रू ही हम लोग जो है देखो मार्केट में जो है मूव आती रहेगी, और हमें ये नहीं कि भाई मूव नहीं मिलेगी, कब मिलेगी भाई मूव मिलेगी ऑफ कोर्स मिलेगी, बट हमें जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अच्छी एंट्री के लिए और अच्छे जगह के लिए। लेट्स सी क्या होता है, अगर कुछ रहेगा अपडेट करता हूँ। आज फ्राइडे है, जुम्मा है, जुम्मा का दिन है आज, तो 1 बजे के बाद तो मेरे को टाइम नहीं रहेगा, 1 से 2 के बाद फिर देखेंगे। अगर अभी 1 बजे तक कोई एंट्री मिल जाती है तो ठीक है, 2 बजे के बाद, वरना आके देखेंगे हम लोग क्या होता है मार्केट में। तो अभी तक देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दो और फिर आगे देखते रहो ये वीडियो।
इंजॉय करते रहो मेरे भाई। ऑलराइट गाइस, तो मार्केट जो है हो चुका है बंद और हमने काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज मिस कर दी है। मैं तुम लोगों को बताता हूं मैंने क्या मिस किया है आज के दिन, और फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे और मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या मैंने मिस किया है। और हो सकता है ये मिस किया है या मैंने आई एम जस्ट प्लेइंग सेफ फॉर टुडे। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ फटाफट की क्या हमारी गलती हो गई है यहाँ पे। तो देखो भाई ये है मार्केट हमारा, मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ एपिक पेन। ऑलराइट एक मिनट दे दो मैं तो। ऑलराइट तो यहाँ पे देखो भाई अच्छा खासा मूवमेंट आ गया है मार्केट में, और यहाँ से ये हाई निकालने की कोशिश तो कर रहा है कहीं ना कहीं। मे भी हो सकता है यहाँ पे रिजेक्ट लेके जो बंद हुआ है अगले दिन यहाँ यहाँ पे भी ओपन हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट स्टिल यार स्टिल ये काफी अच्छी खासी मूवमेंट हमने मिस कर दी है। यहाँ कहीं पे हम लोग एंटर करना चाहते थे, ये अराउंड 300 पॉइंट की मूव है भाई। अच्छा खासा मार्केट जो है मूव किया है आज के दिन, तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे भी एंटर कर देते ना तो भाई ये छोटा सा पुल बैक था, बैंग बैंग बैंग, ठीक है चलेगा, जो हुआ सो हुआ। मैं थोड़ा सेफ खेलना चाह रहा हूं बट ये जो है मार्केट हमें सेफ रहने देता है नहीं कभी भाई। तो कहीं ना कहीं भाई मार्केट हमें जो है सेफ रहने तो देता है नहीं भाई। वो बोलेगा तुम रिस्क लो रिस्क लो रिस्क लो, और देखते हैं ठीक है चलेगा। मैं तुम लोगों को फटाफट पोजीशन में बता देता हूँ क्योंकि मैं सुबह से मैंने तुम्हें शायद पोजीशन मैंने बताया नहीं है, है ना। एंजल वन का नीचे है ना वेरीफाइड लिंक भी मिल जाएगी तुम लोग को। मैं तुम लोग को बताता हूँ कैसा क्या है भाई। ठीक है ये देख लो, पोजिशन में कुछ भी नहीं है, ऑर्डर्स में एक ऑर्डर मिलेगा जो कि कैंसिल कर दिया था मैंने। जैसे ही बोला था तुम लोगों को कि मैं देख रहा था कि भाई ऊपर आ जाए थोड़ा मार्केट, कितने पे लगाया था देखो इसको 375, अगर यहाँ पे सेल हो जाता था ना वापस आके भाई प्रॉफिट देख रहे हो कितना होता था। ठीक है तो आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी ये वीडियो। कुछ सजेशन हो कुछ तो कुछ कमेंट में पूछना हो तो जरूर तुम जो है नीचे पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। बेस्ट तू माने या माने ना, ये शाने देखे बोले बाबा ये।